मच्छर काटती कैसे है और काटने के बाद हमें खुजली क्यों होती है, आइए 3D एनिमेशन के थ्रू से देखते हैं इस बात को। जब हमारे शरीर पे मच्छर बैठती है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मच्छर में भी खून पीने के काम औरत ही करती है। तो हमारे शरीर पे जैसे ही मच्छर बैठती है सबसे पहले स्किन पे थूक मारती है। थूक मारने के कारण स्किन मुलायम हो जाता और उसके अंदर अपने डंक से छेद करती है और छेद करने के बाद वो ब्लड वेसल्स को खोजती है। जैसे ही ब्लड वेसल्स मिल जाता है फिर ब्लड वेसल्स के ऊपर अपने नुकीले डंक से छेद करती है और छेद करने के बाद वो थूक मारती है और थूक मारने के बाद उसके शरीर से यानी थूक से एक ऐसे लिक्विड निकलता है जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स में रक्त का बहाव तेजी हो जाता और तेजी होने के कारण वो ब्लड को क्या करता है पीना शुरू कर देता है। अब पीने के बाद जब मच्छर का पेट भर जाता है भरने के बाद वो उड़ जाता है। लेकिन इसी दरमियान में क्या होता है ब्लड वेसल्स के अंदर जो मच्छर थूक मारती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह जाता है और रहने के बाद हमारे शरीर में खुजली हो जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला ना कैसे मच्छर काटती है तो खुजली होता। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। टेक केयर, बाय।